नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ताज नगरी आगरा में आपको बता दें कि गुयाना के राष्ट्रपति का आगमन हुआ है और इस दौरान गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली आज ताजमहल का दीदार करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान पर्यटकों के लिए ताजमहल लगभग 2 घंटे के लिए बंद रहेगा। वहीं VIP आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखी है और इस दौरान बता दें कि तमाम तरीके की तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ से। अब खबर गोरखपुर से है, जहां पर बता दें कि कला एवं संस्कृति से जुड़ी हुई विधाओं के मंच को निकालने के लिए गोरखपुर महोत्सव का आयोजन 6 वर्षों से किया जा रहा है। वहीं कोरोना के वजह से 2 वर्षों से अस्थाई कम नहीं हो पाया है, लेकिन 2023 में इस कार्यक्रम को एक बार फिर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी विधिवत शुरुआत गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के पर्यटक मंत्री दीप प्रज्वलित कर किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश संगठन की कमान संभालने के से योगी आदित्यनाथ ने कला संस्कृति को बढ़ावा के लिए तमाम बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। वहीं इसी में से एक थे गोरखपुर महोत्सव। वहीं बता दें कि महोत्सव में कला संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को आमंत्रित किया गया और इसके अलावा कृषि विज्ञान, बाल आविष्कारक, कवि और साथ ही तमाम विधाओं के जानकार लोगों को इस मामले को लेकर जानकारी दी गई। ऐतिहासिक होगा, आज मिलेट ईयर है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। माननीय श्री रवि किशन जी, आपको भी मंच पर आमंत्रित करूंगी, कृपया मंच पर पधारें और इस यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी मिलेट ईयर किए हैं, मोटा अनाज, उसकी आगाज के साथ पूज्य महाराज जी ने इस प्रदर्शनी की शुरुआत की है, इस महोत्सव की शुरुआत की है। तो वोकल फॉर लोकल, फॉर वोकल की भी आवाज़, लोकल कलाकारों को, लोकल जो टेराकोटा की हमारे आर्टिस्ट हैं उनको मंच मिला है। विज्ञान के लिए बच्चों की प्रदर्शनी होगी, सो एक ऐतिहासिक रूप से गोरखपुर महोत्सव अपना आगाज करने जा रहा है और मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है क्योंकि सोनू निगम पहली बार इस धरती पर आएंगे। कैलाश खेर का परफॉर्मेंस होगा, मेरा परफॉर्मेंस है, मालिनी अवस्थी जी का है और 80% हमारे लोकल बच्चे हैं जो भोजपुरी विधा में हैं, कलाकार विधा में हैं, नाट्य विधा में हैं, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं। देखिए, संतों, महापुरुषों, तपस्वियों की धरती, सांस्कृतिक धरोहर की धरती, गोरखपुर की धरती पर परंपरागत रूप से यहाँ का महोत्सव मनाने का कार्यक्रम होता रहा है। इस साल हमारे संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन के ज्वाइंट देखरेख में ये कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है, जिसका शुभारंभ होना है 13 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा। इसका समापन का कार्यक्रम रहेगा, 3 दिन का ये भव्य आयोजन होना तय है। और मैं समझता हूँ कोई भी महोत्सव का कार्यक्रम हो या सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित सुरक्षित करने का उपक्रम हो, ये निश्चित रूप से क्षेत्र की, उस स्थान की महिमा का, उनके संस्कृति का, उसकी धरोहर का, उनकी विरासत का उद्गार करने का, प्रदर्शित करने का, लोगों के बीच में पहुंचाने का, ताकि अगली पीढ़ी तक हमारी जो विरासत है, संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, मान्यताएँ, स्थानीय कार्यक्रम है, वो अगली पीढ़ी तक पहुंच सकें, ये प्रयास होता है। और मैं समझता हूँ कि भारत की संस्कृति का मजबूत ताना बाना इन्हें महोत्सवों के द्वारा, मेलों के द्वारा मजबूत होने। उत्तर प्रदेश जनपद के श्रावस्ती में पिछले दिनों से हो रही कड़ाके की ठंड के वजह से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, जिसके चलते लोगों के घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। वहीं रोजमर्रा के काम की और साथ ही रेडियो पटरी वाले व्यवसाय भी अपना व्यवसाय करने के लिए भीषण ठंड से ठिठुर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने ठंड से बचने के लिए चिन्हित जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है के निर्देश दिए थे, लेकिन छोटे छोटे बता दें कि चौक चौराहों पर अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर वहां के लोग
परेशान है। और साथ ही बता दें कि इस दौरान छोटे दुकानदारों का अपना व्यवसाय करने में भाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इस दौरान जनपद श्रावस्ती में भीषण ठंड के चलते जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने बताया है कि 52 सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित किया गया है और अलाव जलाने के लिए व्यवस्था भी की गई है, जिसमें मेरा और संबंधित तहसीलदार और SDM के द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। और साथ ही नगर पंचायत इकोना के नगर पालिका भिनगा और जिला अस्पताल में साथ साथ ही ग्राम पंचायत इकोना के रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें कोई भी बेसहारा और साथ ही निराश्रित व्यक्ति खुले में ना सोए, उसे ठंड से बचाया जा सके। अलाव के लिए जनपद में कुल 52 सार्वजनिक स्थल चिन्हित किए गए हैं, जहां पर डेली अलाव जलाया जाता है और ये सारी फोटोग्राफ्स हम व्हाट्सएप ग्रुप पर मंगवाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी नोडल अधिकारी, SDM, तहसीलदार और मेरे द्वारा स्वयं फील्ड में निकलकर देखा जाता है कि अलाव जल रहा है। सारे रैन बसेरों की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई गई है और सभी नोडल अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि रैन बसेरों को डेली चेक करें। मेरे द्वारा भी चेक किया गया है। जिला अस्पताल में हमारा एक रैन बसेरा बना है, इसके अलावा नगर पालिका में, नगर पंचायत में भी रैन बसेरा है और ग्राम पंचायत इकोना में भी रैन बसेरा है। सभी SDM ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि रैन बसेरे में सारी व्यवस्थाएं अच्छी हों। अब खबर आगरा से है, जहां पर कोहरे का कहर लगातार जारी है। इस दौरान एक एक कर आधा दर्जन वाहन अब आपस में भिड़ गए हैं। वहीं सूचना पर SHO डॉकी तेजवीर सिंह सिरोही मैफोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और साथ ही इस दौरान घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं अब खबर उन्नाव से है, जहां पर बता दें कि बंगरमऊ क्षेत्र के कटरी गदरपुर आहार में 27 वर्षीय पति, जो कि विकलांग है और दो मासूम बच्चों के लिए पत्नी के साथ दर दर भटक कर भीख मांगने को मजबूर है, लाचार है। बता दें कि पति के इलाज के लिए भीख मांगकर गुजर बसर करने को मजबूर है। वहीं कोतवाली क्षेत्र के धन्नापुरवा गाँव निवासी 27 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार पुत्र राधे लाल की 2015 में शादी हुई, जिसके बाद पति पत्नी दोनों खुश रहते थे। इसी दौरान 4 वर्षीय शिवम और 2 वर्षीय आदर्शनी का जन्म हुआ। बच्चों के लाड प्यार से गुजर रहा था ये पूरा जीवन। इसी दौरान बता दें कि सरकार की सरकारी मशीनरी में भ्रष्टाचार इतने चरम पर है कि गरीब स्वास्थ्य सेवाओं से वे वंचित रह गए। इसी बीच कुदरत का कहर भी देखने को मिला, परिवार को तहस नहस कर दिया। इस कहर ने 2019 में पति पत्नी के फॉलिस की बीमारी हो गई। इस दौरान बता दें कि फॉलिस की बीमारी के कारण पति काफ़ी परेशान था। पति को फॉलिस की बीमारी हो गई, जिसका इलाज नहीं हो पाया है। वही अब ये पति पत्नी दर दर भटक कर भीख मांगने को मजबूर है, अपने बच्चों का पेट पालने को मजबूर है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? धन्नापुरा, कटरी गदनपुरा। यहाँ किस लिए आए हो, क्या मामला है आपका, आप किस लिए आए हो? ब्लॉक साइकिल के लिए आए हैं और लेटरिंग मिल जाए और आवास मिल जाए, घर कच्चा बना हुआ है। अच्छा, लड़का बच्चा था, इनका पालन पोषण नहीं कर पा रहे, बेकार हो गए साहब। तो आप पूरे शरीर से अपंग हैं? अपंग है, आधे शरीर बेकार है साहब। तो आप ब्लॉक तक पैदल चल के आए हैं? साहब हम पैदल चल के आए हैं। और ये साथ में है आपके कौन है? ये लड़का बच्चा है साहब, बीवी है। बीबी है, तो यानी कि आप पहले से नहीं अपंग हैं, अभी हुए हैं? पहले से साहब नहीं हैं, अभी हुए हैं साहब, 3 साल हो गए साहब। क्या नाम है आपका? आरती। कहाँ के रहने वाली हैं? धन्नापुरा। ये जो विकलांग है कौन है आपके? पति। पति, क्या नाम है इनका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार, तो आज आप ब्लॉक आए थे? हाँ। किस कारण आए थे आप ब्लॉक आज? हमको साइकिल वाइकिल मिल रही है और पेंसिल बन रही है, कॉलोनी वॉलोनी मिल रही है, तो मतलब खर्चा पानी चले लड़का बच्चन के रो। हाँ, खाने पे दिक्कत ही है। कितने बच्चे हैं आपके? 2।
अब खबर हरदोई से है, जहां पर बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों का बता दें के लिए इसके लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है। वहीं सुरक्षा आदि का हवाला देकर अब इसके लिए अलग अलग कक्षा भी बनाए गए हैं। वहीं DIOS ने आश्रय को लेकर एक आदेश जारी किया है और जिसके दौरान बता दें कि अब कोई भी छात्र चीटिंग नहीं कर पाएगा, इसके लिए इस बोर्ड की तरफ से ये प्रश्न पत्र बनाया गया है और इस दौरान कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अब खबर इटावा से है, जहां पर बता दें आपको कि खनन माफियाओं का बोलबाला देखने को मिल रहा है। इसके बाद भी गोपाल यादव ने खनन अधिकारियों को जमकर घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि इटावा खनन माफियाओं का बोलबाला है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में या अपने प्लांट में मिट्टी डलवाए तो वो नहीं डलवा सकता है, वहां पर खनन अधिकारी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर सुविधा शुल्क मिलेगी तो खनन लगातार होगा, चाहे वो बालू का करो या मिट्टी का। सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जिला कारागार में जेल की तरफ से सभी कैदियों के लिए ठंड से बचने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। वहीं कड़ाके की ठंड में जेल की सलाखों में बंद कैदियों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया गया है। और आपको बता दें कि जिला कारागार में जिला अधिकारी अखिलेश सिंह ने निर्देश पर अनुक्रम के अपर जिलाधिकारी वृत्त राजस्व रजनीश मिश्रा के तत्वावधान में सहारनपुर स्टोन के बता दें कि क्रेशर एसोसिएशन के द्वारा बंदियों को शीत लहर से बचाने के लिए कंबल वितरण किया गया है। इस दौरान 500 कंबल वितरण किए गए हैं। कार्यक्रम में अवसर पर वरिष्ठ जेल अधीक्षक अमिताभ दुबे ने बताया कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जब भी आप यहां से बाहर जाएंगे तो समाज में एक अच्छी सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। वही जालौन में घने कोहरे के कारण बता दें कि झांसी कानपुर एक्सप्रेसवे पर हाईवे पर 27 पर बड़ा हादसा हो गया है। यहां घने कोहरे के कारण एक के बाद एक करके कई गाड़ियां आपस में टकरा गई है। हादसे की सूचना मिलते ही PRV की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और इस दौरान इस हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में पुलिस जवानों में से 7 लोग घायल हो गए हैं। वही हादसे की जानकारी पर स्थानीय पुलिस ने जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और हादसे का शिकार हुई गाड़ियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। अब खबर बहराइच से है, जहां पर महर्षि बालक जिला चिकित्सालय में जनरल वार्ड में रविवार रात को सांड घुस गया है। वहीं परिसर में पहुंचकर एक मरीज के बेड पर जाकर वो रुक गया। इस मरीज के बाद से इस मामले को लेकर दहशत का माहौल देखने को मिला है। लेकिन स्वास्थ्यकर्मी सांड को देखकर रह गए। जिले भर में हर तरफ सांड का आतंक फैला हुआ है। अभी राह चलते लोग पर हमला करते हुए सांड नजर आता है। वहीं आपको बता दें कि यहां पर जनरल वार्ड में सांड घुस गया, जिसके बाद से वहां के मरीजों में एक दहशत का माहौल देखने को मिला है। वहां के मरीज काफी परेशान है। आपको बता दें कि इस हॉस्पिटल के बाहर इस दौरान वहाँ वॉचमैन भी मौजूद होता है, लेकिन किस तरीके से ये सांड घुस गया और जनरल वार्ड में ये सांड घुसने के बाद वहाँ के मरीजों में एक अलग दहशत का माहौल देखने को मिला है। अब खबर झांसी से है, जहां पर उपरोक्त विचार रंग कला प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा ने संबोधित किया है। वहीं उन्होंने बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचल की अनेकों कलाओं के बारे में बताते हुए बुंदेली चितेरी कला का प्रकाश डाला है। साथ ही उन्होंने रंग कला प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि क्षेत्र पर्यटक अधिकारी कृतिक जी ने कलाकारों की कलाकृति की प्रशंसा करते हुए उन्होंने इसके अनुभव को साझा किया है।
ज्वालापुर जिले के सकार थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लोहाड़ी में केंद्र शासन की महत्वाकांक्षी योजना और प्रदेश शासन द्वारा पूर्ण निष्ठा से पूरे प्रदेश में निष्ठा होने की कगार पर पहुंचे तालाबों में अमृत सरोवर योजना के तहत जनोद्धार और साथ ही पुनर्निर्माण एवं बैठने की समुचित व्यवस्था के साथ ही वृहद रूप में पौधारोपण भी किया गया है। साथ ही अमृतकाल महोत्सव के तहत ध्वजारोहण और साथ ही स्तंभ का भी निर्माण कराया गया है, जिसका शिलान्यास उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा किया गया है। लोगों को तालाब की स्थिति बदलकर बहुत ही अच्छा लगा है, लेकिन धीरे धीरे शरारती तत्वों के द्वारा प्रातःकाल अमृत सरोवर में खाली पड़े क्षेत्र में शौच क्रिया और साथ ही जल दूषित किया जा रहा है। साथ ही बता दें कि यहाँ लोग गंध से काफ़ी परेशान हैं। लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर वहाँ देखने को मिली है, वहाँ से लोग काफ़ी परेशान हैं। बता दें कि यहाँ पर सीटों पर शरारती तत्वों द्वारा धूम्रपान किया जाता है, जिससे गुजरते हुए किसानों महिलाओं को काफ़ी भय महसूस होता है। और रानीपुर कोतवाली के अंतर्गत बाइक चोरी होने की सिलसिला लगातार जारी है और आज एक बार फिर से ग्रामीण की खेत किनारे सड़क पर खड़ी हुई बाइक चोरी हो गई है। यह मामला मऊरानीपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरोड़ी का बताया जा रहा है, जहां रहने वाले रंजीत सिंह पुत्र माता दीन राजपूत ने कोतवाली पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि वह अपने खेत पर पानी लगाने के लिए गया था और इस दौरान वहाँ उसने मोटरसाइकिल खड़ी की थी और इस दौरान मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। वही बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार प्रशासन अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और कार्रवाई में जुटी हुई है। वही सरकार के द्वारा बुनकरों को पावर लूम कनेक्शन दिए गए हैं, वहीं बुनकरों के द्वारा लोगों का सत्यापन करने के लिए हैंडलूम विभाग के द्वारा जियो टारगेटिंग कार्य शुरू किया गया है। झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले मऊरानीपुर तहसील में बड़ी संख्या में बुनकर निवास करते हैं। बुनकरों के पावर लूम चलाने के लिए रियायती दरों पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं, तो वहीं विभाग के द्वारा विद्युत चोरी रोकने के उद्देश्य से पावर लूम कनेक्शनधारी बुनकरों की मशीनों को जियो टैगिंग की जा रही है, जिसमें से यह स्थिति साफ हो सकती है कि पावर लूम कनेक्शन का प्रयोग बुनकरों के द्वारा पावर लूम चलाने के लिए ही किया जा रहा है। इसके साथ ही पावर लूम से संबंधित विद्युत कनेक्शन पर सरकारी राहत का लाभ बुनकरों को मिल सके, इसके उद्देश्य से लेकर पावर लूम निरीक्षक झांसी बता दें कि सचिदानंद पांडे के द्वारा निरीक्षण किया गया है और इस दौरान तमाम तरीके के निर्देश दिए गए हैं। ललितपुर में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि विभाग के अधिकारियों की गाड़ी पीछे से ट्रक में जा टकराई है। गनीमत ये रही कि सभी अधिकारी प्राइवेट गाड़ी में सवार थे। गाड़ी में 3 JEE और साथ ही 2 सहायक अभियंता गाड़ी में सवार थे। मौजूदा घटना की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी जिला चिकित्सालय पहुँच गए और साथ ही घायलों का हालचाल उन्होंने जाना है। सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा वायरल होता है जिसे देखकर आप हैरान हो जाते हैं और मज़ा भी आता है। ऐसा एक वीडियो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर बता दें कि कभी कभी लोग ऐसी बेवकूफ़ी कर देते हैं कल्पना करने के भी समझ से पड़े होता है। एक ऐसा ही मामला वीडियो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह वीडियो झांसी के हिरोंज
ग्राउंड के पीछे बने पहाड़ का है, जिसमें दो युवक पहाड़ की चोटी पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर स्टोरी डालने के लिए लोग अक्सर ऐसा डांस करते हुए नजर आते हैं और ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि ये लोग अगर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं फिर इनकी स्थिति क्या होगी, क्या ये बच पाएंगे क्या नहीं बच पाएंगे, ये लोग नहीं सोचते हैं। और आप तस्वीर में देखिए किस तरीके से पहाड़ों के ऊपर युवक जो है डांस करता हुआ नजर आ रहा है और किसी तरह वो गिरते गिरते बचा है, दूसरे युवक ने उससे गिरने से बचाया है। और ये युवक जो होते हैं ये नहीं सोचते हैं, जो अगर आप सोशल साइट पर आप ऐसे वीडियोस डालते हैं तो ये कितना जान से भरा जोखिम होता है। वहीं बहराइच में भी ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, पारा बिल्कुल गिर चुका है तो वहीं ठंड से लोग परेशान हैं। इसको लेकर अमेरिका बता दे कि प्रसाद यादव और नियाज मोहम्मद बजरंग प्रसाद जब डीएम ऑफिस पहुंचे तो जब डीएम बहराइच की नज़र पड़ी तो डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र बहराइच ने बता दे कि तीन पात्र असहाय गरीब अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोगों को डीएम ने कंबल बांटा है। ऐसे असहाय और गरीबों की मदद करने के लिए डीएम ने की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वहीं मौके पर प्रशांत वर्मा एसपी बहराइच से संबंधित अधिकारी गण मौजूद रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।